यौमे दिफा पाकिस्तान के हवाले से नेशनल स्टेडियम कराची में T20 क्रिकेट मैच का इनेकार। मैच 24/11 और मुहाफिज 11 के दरमियान खेला गया। सनसनी खैज मुकाबले के बाद मुहाफिज 11 ने जीत अपने नाम कर ली। गवर्नर सिंह और डीजी रेंजर सिंह ने रनर अप और विनर टीम के खिलाड़ियों में इनाम तकसीम किए। शेखुपुरा में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी मौके पर जा भाग। रेस्क्यू ने लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया, जिनकी शनाख्त कदीर और तैयबा बानो के नाम से हुई। मियां चन्नू के नवाही गांव में जायदाद के लालच में संदिल बाप जलाल बन गया। अपने ही बेटे की टांग और नाक काट दी। जख्मी तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तुल्हार में मीर अल्लाह बख्श तानपुर का रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा। अस्पताल में अद्वियात समेत स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। मीर अल्लाह बख्श तानपुर ने MS को यकीन दहानी करा दी। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। और हवेली लखा में कोहिनूर न्यूज ने महकमा सेहत की गफलत और लापरवाही का पोल खोल दिया। जलई हदबंदी का बहाना बनाकर दर्जनों बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन और हिफाजती टीकों से महरूम कर दिया गया। सना नामी बच्ची पोलियो का शिकार हो गई। कभी किसी सरकारी टीम ने विजिट तक नहीं किया। इलाका मकीनों का इंकशाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब भर की तरह छांगा मांगा में भी यंग पैरा मेडिक्स तंजीम पुलिस गर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज। तैयब यूसुफ चौकी इंचार्ज शाम कोर्ट ने संगीन नतायज की धमकियां देते हुए महकमा सेहत की टीम को गिरफ्तार किया, जिन्हें असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया की मुदाखलत पर रिहा कर दिया गया। मुजाहिरीन का आला हुकाम से पुलिस गर्दी में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। यौमे दिफा पाकिस्तान के हवाले से नेशनल स्टेडियम कराची में T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। डीजी रेंजर सिंह मेजर जनरल इफ्तखार हसन चौधरी ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मैच 24/11 और मुहाफिज 11 के दरमियान खेला गया। सनसनी खैज मुकाबले के बाद मुहाफिज 11 ने जीत अपने नाम की। गवर्नर सिंह और डीजी रेंजर सिंह ने रनर अप और विनर टीम के खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और मेडल्स तकसीम किए। तकरीब के अख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। यौमे दिफा पाकिस्तान के मौके पर कचहरी चौक का नाम तब्दील करके शोला फिगन रख दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल कसूर शहर को खूबसूरत बनाने में मसरूफ अमल। अपने मिशन को जारी रखते हुए कचहरी चौक में एंटी एयर डिफेंस M19 गन पाक फौज के तावन से नस्ब किया। इस मौके पर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने फौज की लाजवाब कुर्बानियों पर शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने मुल्क कौम के दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा। रहीम, 6 सितंबर न सिर्फ ये कि अफवाज पाकिस्तान बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। ये दिन हमें इस बात की याद दहानी कराता है कि हमारा दिफा बहुत मजबूत हाथों में है। 6 सितंबर 1965 को रात के अंधेरे में बुजदिल दुश्मन ने हमला करते वक्त शायद ये बात भूल गया कि जिस कौम की अफवाज दिन और रात उसकी हिफाजत करने के लिए ना दिन देखती हैं और ना रात देखती हैं, ऐसी कौम को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। अपनी अफवाज पाकिस्तान को एक छोटा सा पाक फिजाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन फिजाइया में होता है। 65 की जंग में हमारे शाहीनों ने नाकाबिल फरामोश कारनामे सर अंजाम दिए। मुल्क भर में यौम फिजाइया मिले जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों के हवाले से तफसीलात साहिबान से फहीम सदीकी की इस रिपोर्ट। ये कैसे साथ है।
پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی چند بہترین ایئر فورس میں ہوتا ہے. پاک فضائیہ نے 65 کی جنگ میں پرانی طرز کے سیبر طیاروں سے جدید ہنٹر اور مک طیارے شکار کیے. ایم ایم عالم نے طیارہ مار گرانے کا ریکارڈ قائم کیا جو ہماری روشن تاریخ ہے. اور اب پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں سے لیس ہے, جن میں F-16 دور جدید کا بہترین جیٹ طیارہ جس میں انتہائی طاقتور ریڈار سسٹم, جدید میزائل سسٹم اور فضائی برتری ثابت کرتا ہے. تھنڈر 17 پاک انجینئرز کا کارنامہ ہے. وزن میں ہلکا جدید میزائل سسٹم کے ساتھ فضائیہ میں شامل ہے. اس کے علاوہ F-7P بمبر طیارے, مک طیاروں کی سیریل اور انتہائی رفتار کے حامل میراج طیارے پاک فضائیہ میں شامل ہیں. پاک فضائیہ کی شاہین آج بھی اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بخوبی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر بھی کریں گے. جمبر میں نوسر بازی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. نجی بینک میں ٹاؤن کمیٹی جمبر کے ملازم کو نوسر باز گروہ کے کارندے نے اے ٹی ایم کارڈ تبدیل کر کے 23,000 کا چونا لگا دیا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہے نور نیوز نے حاصل کر دی, جس میں ملزم کا چہرہ واضح دیکھا جا سکتا ہے. محمد اشرف کی مدعیت میں مقدمہ درج, ملزم کی تلاش جاری. سرگودا روڈ پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر. حادثے میں موٹر سائیکل سوار میاں بیوی موقع پر جان کی بازی ہار گئے. ریسکیو 112 شیخوپورہ نے نعشوں کو پولیس کے حوالے کر دیا, جن کی شناخت 52 سالہ قدیر اور 50 سالہ طیبہ بانو زوجا قدیر کے نام سے ہوئی. جائیداد کے لالچ میں سندل باپ جلاد بن گیا, اپنے ہی بیٹے کی ٹانگ اور ناک کاٹ دی. میاں چنو کے نواحی گاؤں 92-15L میں ملزم منظور نے اپنے سگے بیٹے پر سوتے ہوئے کلہاڑی کے وار کیے, زخمی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل. ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پولیس کے مطابق دونوں کے مابین جائیداد کے تنازع چل رہا تھا, اسی وجہ سے لڑائی ہوئی. راجن پور میں یوم ختم نبوت کے سلسلے میں ریلیاں, مرکزی ریلی مسجد نمرہ سے نکالی گئی. ضلع بھر سے علماء کرام, تاجر برادری, سول سوسائٹی کے افراد کی بھرپور شرکت. یوم ختم نبوت تقریب سے خطاب میں مولانا غلام یاسین شاکر اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کا حصہ ہے, ختم نبوت کے سپاہی بیدار ہیں اور ختم نبوت پر پہرہ دے رہے ہیں. باجوڑ کے کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا سالانہ ترقیاتی فنڈز نہ ملنے پر احتجاج. فنڈز کی فراہمی کے لیے 10 ستمبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی. تفصیلات احسان اللہ خان کی اس رپورٹ میں. باجوڑ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیدار ترقیاتی فنڈز کے عدم دستیابی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ مختلف سیکٹرز میں فنڈز کی عدم دستیابی سے ایک طرف کام پہ اثر پڑا ہے تو دوسری طرف ٹھیکدار برادری باری قرضوں تلے دب کر دیوالیہ ہو رہی ہے. گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جولائی میں فنڈز دے دیں گے سارے کے سارا 100%, لیکن ابھی تک کوئی فنڈز نہیں دیا گیا. جو مٹیریل ہے, بلڈنگ مٹیریل ہے, وہ بہت 200% 100% 50% مہنگی ہو گئی ہے, لیکن ہمارے اب بھی وہ 2020 کا شیڈول ہے اور 2020 کے شیڈول میں بھی ہم 30% بلو پہ کام کر رہے ہیں. کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنے زبان سے کہا کہ میں پل فنڈ دے دوں گا, لیکن ابھی تک اس نے تقریباً پل نہیں دیا, 5% بھی نہیں دیا, 10% بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہم پر ای بیلنگ اور ای بیڈنگ کا فارمولا آزمایا جا رہا ہے, جبکہ فارم کی مد میں ہم سے نان ریفنڈیبل فیس لیا جا رہا ہے. انہوں نے وزیر اعلیٰ کے واضح احکامات کے باوجود بھی سالانہ ترقیاتی فنڈز کی بندش پر افسوس کا اظہار کر. مورو میں ملہ برادری انصاف کی عدم فراہمی پر سراپا احتجاج بن گئی. چند روز قبل جائیداد کے تنازع پر دادو اور ملہ برادری میں تصادم کے نتیجے میں سردار ایوب ملہ زخمی ہوا تھا. تفصیلات محمد امین چوہان کی اس رپورٹ میں. مورو میں ملہ برادری کے سینکڑوں افراد نے دادو چوک سے پریس کلب مورو تک احتجاجی ریلی نکالی. احتجاج کی سربراہی ایاز ملہ, یاسین ملہ, ماجد علی ساتو, اکبر علی کلور اور دیگر کر رہے تھے. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ کچھ روز قبل ایوب ملہ نے زرعی زمین خرید کی تھی, جس پر اپنا کام کر رہا تھا کہ اچانک نائچ برادری کے لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو سخت زخمی کر دیا گیا, جس کی اطلاع دادو پولیس کو دے دی گئی. مگر پولیس باسر سے بھاری رشوت لے کر
उन पर एक मुकदमा तक दर्ज नहीं कर रही है। उनका मजीद कहना था कि हरिपुर में 2 दिन के लॉक डाउन को यंग ताजर ग्रुप ने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि ताजरों के हकूक के तहफ्फुज के लिए अदालत समेत हर फोरम पर जाएंगे। तफसीलात राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर के यंग ताजर इत्तेहाद ने 2 दिन के लॉकडाउन को ताजरों का मुहशी कतल करार दे दिया। पिशावर और इस्लामाबाद में बैठे अफसरान और हुक्मरानों ने गलत एदाद और शुमार जाहिर करके हरिपुर के ताजरों पर इंतजामिया के जरिए जबरदस्ती लॉकडाउन मुसलत कर रखा है, जो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार यंग ताजर इत्तेहाद के रनमाउ मलक वजाद, महबूब ऐवान, मलक वलीद ऐवान, इफ्जाल तारिक और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा। इस मौके पर ताजरों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इनका कहना था कि हमें ताजर बरादरी के मुआशी इस्तेहाल की वजह से मैदान में आना पड़ा। जब कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन हो रही थी तो किसी ने किसी एसओपीज का ख्याल नहीं रखा, जलसे होते रहे। यही मिनिस्टर आज जो लॉकडाउन लगा रहे हैं, ये जो है उसी कैंपेन का हिस्सा रहे हैं, वहाँ पर इनको जो है एसओपीज का ख्याल नहीं रखा। एक जो है वो कारोबार ताजर ही इनको मिले हुए, कारोबार इनको मिला। इंतजामिया की जो ताजरों के साथ जो एक जो रवैया है वो ऐसा है कि जैसे मुलजमों के साथ होता है। हम लोग अपना बाइज्जत रोजगार हम हासिल कर रहे हैं, उसके लिए हम बैठे हैं, तो इस तरह हमारे साथ रवैया ये नामुनासिब बात है। अगर ताजरों के साथ ऐसा ही रवैया रहा तो हम इंशाल्लाह ताला रोडों पे निकलेंगे। और इनका मजीद कहना था कि एक तरफ मुकामी इंतजामिया कोरोना के नाम पर आए। फतेहपुर नवाही चक 268 TDA में तुलबा तालबात के वालिदैन उसांसा के हकूक के तहफ्फुज के लिए सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि चंद शरपसंद अनासिर एकेडमी और उसांसा पर बेबुनियाद इल्जामात लगाकर बच्चों की तालीम का अमल मुतासर कर रहे हैं। मुजाहिरीन का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। तफसीलात अनवर शाह की इस रिपोर्ट में। फतेहपुर के नवाही चक 268 TDA में तुलबा तलबात के वालदैन अकैडमी मालिकान के हक में सरापा एहतजाज हैं। तुलबा तलबात के वालदैन का कहना है कि चंद शरपसंद अनासर की जानब से अकैडमी और उसाज़ा पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब तक बहुत से तुलबा तलबात इस अकैडमी से उसाज़ा की काउशों से डॉक्टर्स और इंजीनियर बन चुके हैं। अकैडमी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम ला रहे हैं जी, ये बिल्कुल झूठे हैं। जनाब इतने बच्चिया दो पढ़ाइया ने अगे फोन भी पढ़ाते पे हैं, लागे सहूलत आ, बेहतरीन माहौल आ, लैने पढ़ाने वापस, जो छुट्टी का टाइम होंगे वापस ले जाने। गरीब है शहर च नहीं पढ़ा सकते। जेडे लोग बेमनियाद इल्जाम ला रहे हैं जी, ये बिल्कुल झूठे ने, अकैडमी ने चलन नहीं देना। मैं इधर अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए ले आता हूँ, इसके लिए जो है लोग गलत बातें करते हैं, मैं इनके खिलाफ हूँ, लिहाजा मेहरबानी करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो स्टाफ अच्छा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, 4 साल से हमारी बच्ची मैट्रिक का इम्तहान दिया है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, वो झूठा इल्ज़ाम ला रहे हैं। वालिदैन ने एहतजाज करते हुए आला हकाम से मुतालबा किया है कि हम गरीब लोग हैं, ज्यादा अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो लोग इस अकेडमी के खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा कर रहे हैं। मरकजी मजलिस तहफ्फुज खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम सराय नूरंग में खत्म नबूवत रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर इब्राहिम खान, ज़िले अमीर जमात इस्लामी लकी मरवत अजीज़ुल्ला खान और सदर मरकजी मजलिस तहफ्फुज खत्म नबूवत डॉक्टर इस्माइल खान ने की। रैली में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात लकी मरवत से शरीफुल्लाह की इस रिपोर्ट में। मरकजी मजलिस तहफ्फुज खत्म नबूवत जिला लकी मरवत के ज़ेर एहतमाम यौम खत्म नबूवत के सिलसिले में रैली निकाली गई। रैली की क़यादत जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी नायब अमीर प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम खान ने की। इस मौके पर जमात इस्लामी लकी मरवत के जिली अमीर हाजी अजीज़ुल्लाह खान, मरकजी मजलिस तहफ्फुज खत्म नबूवत लकी मरवत के जिली सदर डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल खान, तहसील नवरंग के अमीर मौलाना सदुल्लाह हक्कानी, नायब अमीर मुफ्ती इरफानुल्लाह समेत सैकड़ों अशकान खत्म नबूवत ने कसीर तादाद में शिरकत
की। रैली किला ग्राउंड सरायन औरंग से शुरू होकर पासवान प्लाजा के मकाम पर पहुंची, जहां रैली ने जलसे की शिकल इख्तियार कर ली। शुरका ने खत्म नबूवत जिंदाबाद के फलक शकाफ नारे लगा रहे थे। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि 7 सितंबर हर साल योम खत्म नबूवत के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कदियानियों को पाकिस्तान की आइन में काफिर करार दिए थे। उन्होंने मजीद कहा कि अंग्रेज साम्राज्य के सामने तमाम अकवाम सरेंडर हो गए, तहम सिर्फ पख्तूनों ने उनके खिलाफ जदोजहद जारी रखी। फकीर ए पी हाजी मिर्जली खान और इस्लाम बीबी ने पख्तून कौम की क़यादत की और हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ इलम बुलंद किया। अंग्रेज ने मुसलमानों के सीनों से अकीदे खत्म नबूवत और जज्बे जिहाद निकालने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी को मैदान में उतारा। मिर्जा गुलाम अहमद कदियानी हवेली लखा में कोहिनूर न्यूज ने महकमा सेहत की गफलत का और लापरवाही का पोल खोल दिया। जिले हदबंदी का बहाना बनाकर दर्जनों बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन और हिफाजती टीकों से महरूम कर दिया गया, जिसके बायस सना नामी बच्ची पोलियो वायरस का शिकार हो गई। कभी किसी सरकारी टीम ने विजिट तक नहीं किया। इलाका मकीनों का इंकशाफ, कहा दरियाए सतलुज से मुल्हिका और सरहदी इलाके में 25 के करीब बच्चों को कभी किसी सरकारी टीम की जानिब से पोलियो और दीगर मोजी अमराज से बच्चाओं की वैक्सीन नहीं दी गई। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदारों को खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालिबा कर दिया। नौशहरा में साबिक वजीर आला के पी के और ए एन पी के कायम मुकाम सदर अमीर हैदर खान होती के जेरे सदारत इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बुनियादी फैसले होना अभी बाकी हैं। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर कोहिनूर न्यूज को अपनी पार्टी का मौकफ देते हुए अमीर हैदर खान होती ने कहा, मौकफ बड़ा वाजे है, हमारे अफगानिस्तान में कोई अपनी जाति पसंद नापसंद नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर हम चाहते हैं कि सियासी हल निकले। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की जितनी भी नुमाइंदा कुवतें हैं वो आपस में बैठकर अफगानिस्तान के लिए एक सियासी हल तलाश करें, एक ऐसी हुकूमत आए जो अफगान आवाम की असल में नुमाइंदगी करे, एक ऐसी हुकूमत आए जो अफगानिस्तान में अमन कायम कर सके, एक ऐसी फैसलाबाद प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम में पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर एपिका समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात आजम नियाज़ी की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद प्रेस क्लब में वाके ऑडिटोरियम में आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के सदर मोहसिन अली समेत दीगर आला अहदेदारान ने शिरकत की। मुनक्कदा तकरीब में मुख्तलिफ अदारों में तैनात दर्जा चारम में तरक्की पाने वाले क्लर्क की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ग्रैंड अलायंस की जानिब से एपिका में शमूलियत का ऐलान भी किया गया। कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम सदर FIC ग्रैंड अलायंस राणा बलाल का कहना था, आज हम FIC हॉस्पिटल की तरफ से एपिका पाकिस्तान की क्यादत के लिए यहाँ पे शमूलियत में हमने पार्टिसिपेशन की है और हम एपिका पाकिस्तान जो एक मुनज़्ज़म जमात है और मुलाजमों के मसाइल के हल के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है ऑल ओवर द पाकिस्तान, हम उनके साथ अपने इल्हाक का ऐलान करते हैं। शुरका की जानब से FIC ग्रैंड अलायंस की एपिका में शमूलियत को एक अहसन इकदाम करार दिया गया। ग्रैंड अलायंस के अरकान का कहना था, हमारी शमूलियत का मकसद क्लर्स की तरक्की के सिलसिले को जारी रखना है। हम एपिका पाकिस्तान और एपिका पंजाब के मौजूद मेहमानों को फैसलाबाद में वेलकम कहते हैं। एपिका एक मुअज़्ज़म जमात है, अब FIC ग्रैंड अलायंस इसमें शमूलियत का ऐलान करती है। आज हमारा मकसद सिर्फ अपने वर्कर्स और की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। तकरीब में शरीक नौशहरों फिरोज में PTI के सैनिटर सैफुल्ला आबरू ने भरियावर डिम्पर 132 के वी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PTI का मंशूर बिला तफरीक आवाम की खिदमत करना है। तफसीलात जमील मलिक की इस रिपोर्ट। इफ्तिताही प्रोग्राम जारी है, इस ग्रिड स्टेशन से भिरिया रोड करोडी और इसके आसपास के इलाकों का बिजली फराहम की जाएगी। आइए यहाँ पर कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल गाल उन लाइ अस वफा की हुकूमत है उनसे गाली अंडर पास लाइ कहीं एक्चुअली सिंध गवर्नमेंट जैसे लेवल से ही
अंडरपास अनाउंस कई ईजी है बाकी लैंड वफाक कह बेफिक्र सभी दोस्तों के दोस्तों के दावत हो जाए इतना जो इशूज हैं खासकर जिले जहाँ अमान के भी असा जिले जहादेदार बीठा है और जो सैनेटर सैफुल्लाबड़ो साहब तशरीफ ला रहे हैं ये बिरा रोड का एक दर इतना मुतालबा था कि बिरा रोड के जो वोल्टेज कम और आस पास में जो काफी जो है गोट है जो आज तक बिजली की इस नहमत से महरूम है। हमें वोल्टेज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज और कमी है, अल्लाह के फजल व करम से वो पूरी होने जा रही है। सैफुल्लाबड़ो साहब यहाँ पर जिन्होंने 132 केवी ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया और उनका कहना था कि पीटीआई की जो हुकूमत है उसका। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशिक की अपने दफ्तर में खुली कचहरी, तीनों इजलास से आए 14 शहरियों की दरख्वास्तों पर फिल फौर मुतलका अफसरान को अहकामात जारी किए। आरपीओ का कहना था कि मैं हर वक्त अपने रीजन की आवाम की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तफसीलात फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट। रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर मोहम्मद जुबैर दरेशिक के अपने दफ्तर में खुली कचहरी, शहरियों की दरख्वास्तों पर मौके पर अहकाम जारी किए। आरपीओ ऑफिस बहावलपुर में रोजाना की बुनियाद में खुली कचहरी का इनका किया जाता है। खुली कचहरी में साहिलीन से गुफ्तगू के दौरान आरपीओ ने कहा कि पुलिस का फर्ज है कि अवाम के जायज मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश करे। रीजन बहावलपुर की पुलिस अपने महदूद मसाइल के साथ भरपूर तरीके से अपने फरज़ अंजाम दे रही है। रीजन के तमाम अफसरान जिनमें SDPOs DPOs शामिल हैं बाकायदगी से खुली कचहरियों का इनका कर रहे हैं ताकि लोग बिला किसी झिझक अपने मसाइल उनके रूबरू बताएं। इस पॉलिसी से पब्लिक और पुलिस के दरमियान एतमाद की मजबूत सतह कायम हो रही है। आरपीओ बहावलपुर ने तीनों जिला से आए हुए 14 शहरों की दरख्वास्तों पर फिल फोर मुतलका अफसरान को अहकाम जारी किया। आरपीओ का कहना था कि मैं हर वक्त अपने रिजक की अवाम के लिए हाजिर हूँ। कैमरामैन कुरम साथ के तुल्हार में रुकन सिंध असेंबली मीर अल्लाह ताबुक बख्श तालपुर का रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा। एमएस सईदा उज़्मा शाह ने अस्पताल के हवाले से दरपेश मसाइल से आगाह किया। उनका कहना था कि अस्पताल में अद्वियात का फुकदान और डॉक्टर्स की कमी है। MPA मीर अल्लाह बख्श तालपुर ने MS को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि अस्पताल को तहसील का दर्जा मिल गया है, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। अद्वियात समेत स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर हमेशा यकीन रखती है। लेस्को इंतजामिया का 2 साल तक एक ही जगह पर तायुनात अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सब कमेटी के इजलास में अफसरान को तब्दील करने का फैसला किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज इरफान से। जी हाफिज, तफसीलात बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मरासला जारी कर दिया गया है। लेस्को इंतजामिया का 2 साल तक एक ही जगह तायनात अफसरान और मुलाजमीन के तबादलों का फैसला किया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सब कमेटी के इजलास में अफसरान को तब्दील करने का फैसला किया गया। लेस्को ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीफ इंजीनियर्स और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स का मरासला जारी किया गया। 2 साल से जायद एक ही सब डिवीजन में तायनात मुलाजमीन और अफसरान का दीगर सब डिवीजन में तबादला किया जाएगा। सब डिवीजन स्टाफ को डिवीजन में ही दीगर सब डिवीजन में भिजवाया जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग का अमल मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज तफसीलात बताने के लिए। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने के लिए रीजनल पुलिस ऑफिस मुल्तान और निजी कॉलेजेस मुल्तान के माबैन मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत मुल्तान रीजन के हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान और मुलाजमीन और शहदाए पुलिस के बच्चों को इंटरमीडिएट की सालाना फीस में रियायत दी जाएगी। आरपीओ मुल्तान सैयद खुरम अली और डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस मुल्तान उसामा कुरैशी ने MOU पर दस्तखत किए। आरपीओ मुल्तान सैयद खुरम अली का इस मौके पर कहना था कि निजी कॉलेजेस का ये इकदाम काबिले तहसीन है, जिससे पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को मियारी तालीम मुयस्सर होगी। कोशिश होगी कि पुलिस मुलाजमीन को हर शोबा में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए मजीद इकदाम भी किए जा रहे हैं। DGLDA अहमद अजीज तारण की हिदायत पर Zone 1 की टीम का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, जिसकी निगरानी डायरेक्टर आयशा मुताहिर,
डिप्टी डायरेक्टर उमर बिन साद, असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज उमर मजीद और मोहम्मद आदिल ने की। ऑपरेशन गुलशन रावी फिरोजपुर रोड जेल रोड पर गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज काजमी से। जी शहबाज, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजीएलडी अहमद अजीज सागर की हदायत जोरवन की दबंग टीम ने दबंग ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन गुलशन रावी फिरोजपुर रोड जेल रोड पर किया गया है, जिसकी निगरानी डायरेक्टर आशा मताहर, डिप्टी डायरेक्टर साद और असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज उमर मजीद और आदल ने की है, जिसमें इन्फोर्समेंट कमरा और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात थी। जिन गैरकानूनी तमीजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, इनमें ब्लॉक गुलशन रावी बी गैर नक्शा जिसको मुसमाल कर दिया गया, गुलशन रावी जी जिस पर गैर कानूनी तमीरात को मुसमाल कर दिया गया है, डी ब्लॉक पर भी गैर कानूनी तमीरात को मुसमाल कर दिया गया है। फिरोजपुर रोड पर कार्रवाई करते हुए तमीरात को मुसमाल कर दिया गया है। इस तरह जे रोड पर जारी गैर कानूनी तमीरात को भी मुसमाल कर दिया गया है। मजीद कार्रवाई करने का अमकान था, लेकिन मशीनरी खराब होने की वजह से मशीनरी ऑपरेशन आगे मुलतवी करना पड़ा। असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज उमर मजीद और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद आदल का कहना है कि हम किसी सूरत भी गैर कानूनी तमीरात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो किसी की भी हो। जी बहुत शुक्रिया शहबाज तफसीलात बताने के लिए। 6 सितंबर तजदीद अहद वफाक का दिन, यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीबा का सिलसिला ताहाल जारी है। जंग सितंबर में पाकिस्तानी शहदा ने शुजा की लाजवान दास्तान रकम की। यौम दिफा की शानदार और पुरवकार तकरीब मुतहदा अरब अमारात की रियासत अजमान में मुनक्किद हुई, जिसमें पाक फौज के शहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तानी मुसलह फौज और कौम के अजम व इरादे की अक्कासी का दिन है। यौम दिफा पाकिस्तान तकरीब में मुकर्ररीन ने शहदाए वतन की बेमिसाल जुरत और बहादुरी को खिराज अकीदत पेश किया। शुरका का कहना था कि जज्बा सितंबर पाक फौज और आवाम को हर आजमाइश में मदद और हिम्मत दिलाता है। हमें फौज पाकिस्तान की कुर्बानियों पर नाज और उनकी जुरत और बहादुरी पर फख्र है। तकरीब में सब्ज हिलाली परचम के साए तले मिली नगमे और कौमी तराना पेश किया गया। इस मौके पर शहदाए वतन के लिए फातह खानी और मुल्क की सलामती और सर बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। मुस्लिम लीग नून के जेर एहतमाम यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीब में चौधरी जफर इकबाल, सुहेल घुमन, शहजाद बट, जान कादिर, शौकत बट, जमील बंग्याल, हाजी मोहम्मद नवाज और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। हमारी आर्मी है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम है। इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा, रहती दुनिया तक। जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है वो नीस्त तो नाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान रहती दुनिया तक रहेगा। हाँ हाय और रहेगा पाकिस्तान। महकमा पुलिस में बड़े पैमाने पर तकरर और तबादले। राव सरदार अली खान नए आईजी पंजाब पुलिस मुकरर, नोटिफिकेशन जारी। इनाम गनी को आईजी पंजाब पुलिस के ओहदे से हटाकर आईजी रेलवे पुलिस तैनात कर दिया गया। दोनों अफसरान को वजीर आला उस्मान बुजदार की भेजी गई समरी के मुताबिक तैनात किया गया। राव सरदार अली खान इससे कबल सेफ सिटी अथॉरिटी में भी तैनात थे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात बताइएगा। पंजाब हुकूमत ने दो डीआईजी के जो है वो तबादले कर दिए हैं। बात की जाए सबसे पहले अगर राव सरदार की, तो राव सरदार को आईजी पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। वफाक की मशावरत के बाद जो है वो पंजाब हुकूमत ने दो पंजाब को जो है वो तब्दील किया है। सबसे पहले अगर बात की जाए राव सरदार की, तो राव सरदार अली खान 21 फरवरी 1965 को लोधरा में पैदा हुए। राव सरदार अली खान ने किंग एडवर्ड से जो है वो MBBS किया। इसके अलावा जो है वो आईजी पंजाब राव सरदार ने 25 साल की उम्र में 1990 में पुलिस सर्विस जो है वो ज्वाइन की, और तैनात होने वाले आईजी पंजाब का ताल्लुक जो है वो 18वें कॉमन से बताया जाता है। इसी तरह से राव सरदार जो है वो 31 साल सर्विस में मुख्तलिफ अहदों पर तैनात रहे, जिनमें राव सरदार चारों सूबों समेत वफाक में खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। राव सरदार अली खान इकवामे मुतदा मिशन में भी जो है वो खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह से तैनात होने वाले आईजी पंजाब के अहदे से पहले MDC जो है वो तैनात थे। इसके अलावा बहावलपुर RPO सरगोधा भी रह चुके हैं, और राव सरदार बतौर एडिशनल आईजी CPD पंजाब, ज्वाइंट DG इंटेलिजेंस ब्यूरो पंजाब, DAG ऑपरेशन लाहौर भी तैनात रह चुके हैं। अगर बात की जाए दोनों आईजी पंजाब की, तो दोनों जो है वो आज तब्दील कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए जो है वो इनाम गनी की, तो इनाम गनी को आईजी रेलवे तैनात कर दिया गया है, जबकि
सरदार को आईजी पंजाब तैनात होने पर जो है वो पुलिस फोर्स की जानिब से जो है वो मुबारकबाद भी दी गई। इसकी बड़ी वजह सामने आई है कि आईजी पंजाब ने जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से जो शेड्यूल बनाया गया था उस पर जो है वो अमल दरामद नहीं करवाया। फिर आज की अगर बात की जाए तो आईजी पंजाब राव सरदार अली खान को जो है वो आईजी पंजाब करने का बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आईजी पंजाब जो पहले तैनात थे इनाम गनी वो आईजी रेलवे पाकिस्तान तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोनों आईजी को जो है वो पंजाब हुकूमत और वफाक की जो है वो मुशावरत के साथ जो है वो तब्दील किया गया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा वाज़ेह नोटिस जारी किया गया है कि दोनों आईजी जो है वो फौरी तौर पर अपनी अपनी जय तैनाती पर रिपोर्ट करें। जी और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।